प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया का असर अब दिखने लगा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अमेरिका की 200 कंपनियां चीन से अपने प्रोजेक्ट भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं। बता दें कि भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की कई देशों की यात्राओं के दौरान सहयोग मांगते रहे हैं। अब इस अपील के सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के लिए बीते 5 सालों में अनुकूल माहौल तैयार हुआ है, तो वहीं अमेरिका ने भी अब इसके लिए भारत का सहयोग देने की पहल की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की करीब 200 कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं। इसके लिए ये कंपनियां लोकसभा चुनाव के बाद चीन से अपने प्रोजेक्ट्स को भारत में लाना चाहती हैं। इस बारे में अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की पैरवी करने वाले स्वयंसेवी समूह यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने बयान दिया है। समूह ने कहा है कि चीन की जगह कोई अन्य विकल्प तलाश कर रही कंपनियों के लिए भारत में शानदार अवसर उपलब्ध हैं। समूह के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि कई कंपनियां उनसे बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भारत में निवेश कर किस तरह से चीन का विकल्प तैयार किया जा सकता है। मुकेश अघी का कहना है कि समूह नई सरकार को सुधारों को तेज करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का सुझाव देगा। यह संवेदनशील है। प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने और 12 से 18 महीने में इसे अधिक परामर्श योग्य बनाने का सुझाव देंगे। हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स, डेटा का स्थानीय स्तर पर भंडारण आदि जैसे निर्णयों को अमेरिकी कंपनियां स्थानीय कारक ना मानकर अंतर्राष्ट्रीय कारक मान रही हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए नई सरकार को क्या करना चाहिए के सवाल पर अघी का कहना था कि नई सरकार को सुधार की गति तेज करनी चाहिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शिता लानी चाहिए और अधिक पक्षों के साथ परामर्श पर जोर देना चाहिए। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते की भी पैरवी की। मेक इन इंडिया ने दिखाया है ये कमाल। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र में कारोबार और उद्योग जगत के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल बनाने, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने जैसे तमाम वादे भाजपा ने किए थे। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य भारत को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना था। इस योजना के लॉन्च होने के बाद भारत को सितंबर 2014 से फरवरी 2016 के बीच ही 16.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता मिली। साल 2015 में भारत FDI के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। मेक इन इंडिया की वजह से ही साल 2017-18 में भारत में आने वाला FDI बढ़कर 62 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। एक अनुमान के अनुसार मेक इन इंडिया की वजह से ही 2014 से 2018 के बीच घरेलू मोबाइल हैंडसेट और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का करीब 3 लाख करोड़ रुपए बचा है, जो पैसा उन्हें विदेश भेजना पड़ता। अब अमेरिकी कंपनियों के भारत में दिलचस्पी दिखाने से इसमें और तेजी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।